أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين आज के हमारे तीसरे दर्स का उन्वान अकीदा नबुवत है। अकीदा नबुवत को समझने से पहले मैं थोड़ा तमहीज़ अर्ज करना चाहूँगा ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आए। जब इंसान इस दुनिया में आया और तो इसने अपनी अकल के मुताबिक नई से नई इजादात करना शुरू कर दी। यहाँ तक कि ये सिलसिला चलता गया और इंसान ने बेहतरीन इजादात करने लगे और ये सिलसिला यहाँ तक पहुँचा कि इंसान इस काबिल हो गया कि दिन को रात और रात को दिन कर सके और सर्दी को गर्मी, गर्मी को सर्दी। इससे आगे बढ़ के वो अपना पैगाम को दुनिया के एक कोने से लेकर किसी दूसरे कोने तक सेकंडों में पहुंचा सके। इससे आगे बढ़कर इंसान खला तक पहुंच गया। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि क्या इंसान को सिर्फ इजादात के लिए पैदा किया गया है कि जिस पर इंसान खुद फख्र करता है कि मसलन कहता है कि मसलन मैंने ये बनाया है या इस तरह से इंसान फख्र करता है। तो क्या इंसान को सिर्फ इसलिए बनाया है या ज़िंदगी गुजारने के लिए बनाया है, यह हमें कैसे पता चलेगा? तो बस यहाँ पे एक ज़रूरत पेश आती है कि कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसा नुमाइंदा हो कि जो हमें ये बता सके कि हमें क्यों पैदा किया गया है। हम जिस तरीके से पहले पढ़ के आए हैं कि ये दुनिया जो है, कायनात जो है, एक अल्लाह ने बनाई है और ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद वजूद में आ गई हो। तो यकीनन जिस खुदा ने ये कायनात बनाई है तो उसने अपने इंसानों की रहनुमाई के लिए, कि जिस इंसानों को भेजा है उसकी रहनुमाई के लिए कोई बंदोबस्त भी किया होगा। खुद कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वलकत बअसना फी कुल्ल उम्मतिन रसूलन, यानी और बतहकीक हमने भेजा यानी मबऊस किया तमाम उम्मत के लिए एक रसूल, यानी अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए, इंसान की रहनुमाई के लिए उसको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी रहनुमाई के लिए हर उम्मत के लिए हर ज़मीन यानी मुख्तलिफ ज़मीनों पर, मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ अंबिया भेजे, अपना नुमाइंदा भेजा ताकि वो अल्लाह का पैगाम उसके बंदों तक पहुँचाए और इंसान ये ना समझे कि इंसान को बिला वजह पैदा किया है। ये अंबिया क्या का काम क्या है कि ये अल्लाह का पैगाम लेकर, अल्लाह की जो कलाम है वो लेकर, अल्लाह से जो हुक्म है लेकर वो इंसानों तक, हम तक पहुंचाते हैं ताकि हम रहनुमाई हासिल कर सकें, हम उस हदफ तक पहुंच सकें, उस मकसद तक पहुंच सकें जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हम सबको खल्क किया है। अब मिसाल के तौर पर अब जो पैगंबर हैं, जो नबी हैं, कि जो ये हमें बताते हैं कि अच्छाई क्या है वाकई में और बुराई क्या है, अदल क्या है और जुल्म क्या है, इस दुनिया में हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे लिए बेहतर क्या है और बुरा क्या है, ये सिर्फ वही बता सकता है कि जो जिसने हमें पैदा किया है। और आजकल यानी अल्लाह के अलावा जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बात कहते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, वो इंसानी नज़रिया है, वो इंसान की बात है। अलबत्ता हमें देखना चाहिए कि अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है, क्योंकि अल्लाह की बात बतौर कामिल यानी 100% क्लियर होती है। इसको मिसाल देता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये सब बातें अकीदे नबूवत के ज़ुमरे में आती हैं, अकीदे नबूवत के सिलसिले में है, तो इसलिए एक अर्ज़ कर रहा हूँ। एक मिसाल आपको देना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पे मिसाल इसकी है कि अल्लाह की जो बात है वो 100% क्लियर होता है, यानी 100% दुरुस्त होती है, सही होती है, उसमें किसी किस्म का शक नहीं होता। इसको समझने के लिए एक मिसाल यह है कि इस्लाम को 1400 साल पहले हो गए आए हुए और उसने 1400 साल पहले हमें बता दिया कि सुअर का गोश्त इंसान मुसलमान के लिए हराम है, ठीक है। अब 1400 साल बाद एक साइंस मुख्तलिफ साइंसदान बैठते हैं और तहकीक करते हैं, तहकीक के बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि सुअर का गोश्त इंसान के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। तो
तो वो बात जो इस्लाम ने, अल्लाह ने 1400 साल पहले हमें रहनुमाई कर दी, अब साइंसदान अब हमारी रहनुमाई कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत है। अलबत्ता मुमकिन है कि ये कल को साइंसदान आके कहें कि ये चीज़ नहीं, इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इंसान गलती कर सकता है, लेकिन अल्लाह कभी गलती नहीं कर सकता। और अल्लाह नबुवत के ज़रिए, अम्बिया के ज़रिए हमारी रहनुमाई करता है, जो 100% सही होती है, उसमें किसी किस्म का शक नहीं होता। बस इस मिसाल से साबित हुआ कि अल्लाह की मिसाल कामिल होती है और इंसान गलती कर सकता है। बिलफर्ज यहाँ पे अगर ये कहता है कि ये यानी सुअर का गोश्त सही है, बाद में कह सकता है कि सुअर का गोश्त, यानी अभी कहता है कि सुअर का गोश्त सही नहीं है, बाद में कह सकता है सही है, तो इंसान में के लिए गलती है, इंसान गलती कर सकता है। अब इसमें हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम बहैसियत इंसान, इंसान होने के नाते से, कि अल्लाह ने जो अपने नबी बना के भेजे हैं या वो रहनुमाई के लिए, हमारी हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम उनकी बातों को सुने और बेहतरीन बात की पे अमल करें। बस खुलासतन ये है कि अकीदा नबुवत ये कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए हर जमाने में एक यानी मुख्तलिफ सरजमीन पर 1,24,000 अंबिया भेजे ताकि वो हमारी हिदायत कर सकें। खुदावंद आलम से आखिर में दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें जिस मकसद के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा है, उस मकसद पे अमल करने की या उस इंसान के हदफ को हासिल करने की तौफीक अता कर फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।